बजे उठने वाला इंसान 5 बजे उठ रहा है। बाय। हे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल बिहारी घर नेहा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है मेरी कजन और अभी मैं जा रही हूँ इसके घर, जो इसका घर कहाँ है ये बताइए। रायगंज। यस, तो मैं जा रही हूँ रायगंज और आप लोगों को एकदम मस्त मस्त ब्लॉग मिलने वाला है अब इसके बाद। तो ये वाला ब्लॉग मेरा कटिहार टू रायगंज होने वाला है और आज मैं जो भी करूँगी दिन भर में वो सारी चीज़ें मैं इसमें दिखाऊँगी। फिलहाल अभी 5:30 बज रहे हैं, कुछ देर में हम लोग निकलेंगे, 10-15 मिनट में, राइट? हाँ, 10-15 मिनट में निकलेंगे। चलो हम लोग निकलते हैं, तो बाय 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 बाय। टोटो आ गया है, अब चलते हैं। ओहो हो, व्रत मिला। कहीं जाने का मतलब सुबह उठना, और इतनी सुबह उठना मतलब बैंड बजाना खुद के, है ना? सुबह हम लोग कितने बजे उठे? 5 बजे ना। 5 बजे उठे यार, सोचो 11 बजे उठने वाला इंसान 5 बजे उठे। वही तो रीजन होगा ना। पहुंच गए हम लोग स्टेशन। ये स्टेशन का मंदिर है और सामने स्टेशन, मेरा सामने स्टेशन। हम लोग पहुंच गए हैं, चलते हैं। बुआ लोग टिकट लेने गई है और हम लोग पहले आगे से जा रहे हैं, मैं और बुआ, सॉरी मैं और पुपा जी दोनों साथ साथ जा रहे हैं पहले पहले। वैसे तो मैं ट्रेन से बहुत कम ट्रैवल करती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे कहाँ से जाना होता है, तो इनके साथ चलते हैं। सामान बिचारी उठा रही है। कैसा लग रहा है पूजा पर सामान उठाते हुए? पूजा कुछ बोल नहीं पा रही, पूजा का मुंह उदास हो गया है क्योंकि पूजा को कुछ, पूजा के बहुत ही कुछ खास चीज जो यहाँ छूट रही है, पूजा वो छोड़ने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ना। पूजा पूजा कोई बात नहीं, पूजा फिर मिलेंगे, आप लोग समझ जाओ। समझ रहे हो आप? फिर मिलेंगे, चलते चलते। दोनों की लड़ाई चल रही है, कैट फाइट, कैट फाइट चल रही है। आपको कैसा लग रहा है इस कैट फाइट में? वैसे हम लोग को हमारा फेवरेट सीट मिल गया है ना, विंडो सीट, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फूफा महान है, सीट चेंज करवा रहे हैं यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। कहाँ ओ वाओ, ये तो पूरा क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट भी पूरा साफ है। वही तो पुप्पा की पागल है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे पुप्पा हमारे, अरे रजनीकांत पुप्पा वाले रजनीकांत। ओ दौड़ा दौड़ा के पुप्पा सीट चेंज करवाए हैं, मम्मा थक गए हम लोग, बट ठीक है उससे बेटर सीट क्योंकि पूरा साफ है इधर। ट्रेन खुल गई, बाय बाय कटिहार। लग रहा अपना पप्पा जी का घर, ऐसे ऐसे लेट के ही लोग जा रही है दोनों। सलमारी में रुक गई है, कितना बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। और मेरी बुआ बोल रही है नया जाके ट्रेन में धक्का मारो। बताओ यार ट्रेन को कोई कैसे धक्का मारेगा? धक्का मारेंगे बुआ, धक्का मारे ट्रेन को। मारो, देखो बोल रही है मारो। 3 hours later आज गए हम लोग रायगंज फाइनली। आगे हम लोग रायगंज, तो बहुत सारी मस्ती होगी और बहुत सारे नए नए ब्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को। पहुंच गए हम लोग फाइनली, पहुंच गए मेरी बुआ के घर और अब थोड़ी देर
रेस्ट करूंगी क्योंकि काफी थक गई हूँ मैं, और इतना सुबह उठी थी, मैं इतना सुबह उठी थी यार, 5 बजे उठना पड़ा था मुझे, तो थोड़ी देर शायद मैं सो जाऊंगी, फिर देखती हूँ शाम में कहाँ जाती हूँ। जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों को तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से छोटा सा पावर नैप लेने के बाद। हाय बोल दो, तुझे हाय, आई लव यू बोल दो, आई लव यू, आई लव यू टू। 6 hours later मैं जा रही हूँ, देवू जिक्स है मेरे एक, दीपिका एक फ्रेंड है मेरी यहाँ पे, एक्चुअली मेरी जो कज़न है उसकी फ्रेंड है, तो मेरी भी फ्रेंड बन गई थी, तो उसके शॉप पे मैं जा रही हूँ उनको सरप्राइज़ देने के लिए। उन लोग को नहीं पता है मैं यहाँ आई हूँ, तो उन लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो अभी मैं जाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो चलते हैं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट भी जाऊँगी, हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज देने के लिए। यस यस, बहुत एक्साइटेड है। यस, बहुत दिनों बाद वैसे मैं मिल रही हूँ उन लोगों से। लास्ट टाइम आई थिंक मैं 1 साल पहले जनवरी में पिछले साल मिली थी, और अब मैं मिलने जा रही हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो पता नहीं उन लोग का रिएक्शन कैसे होगा। हम लोग पहुंच गए हैं, और अब बस सामने ही उनका शॉप है। पहले पूजा जाएगी वहां पे, और बिल्कुल नहीं बताएगी कि मैं भी आई हूँ। हेलो, देखो यार, ये मुड़ के देख लिए, देख लिए थे यार, ये पहले से देख लिए थे, चलते हैं आपके घर, राइट, दीपिका के घर चल रहे हैं हम लोग। बाय बाय जिक्स, फिर मिलेंगे जल्दी, है ना। अब हम लोग जा रहे हैं सेंटा कलेक्शन, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस शॉप है। यहाँ लेडीज़ का मतलब सारा आइटम बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा ये लोग बता रही है। वो तो मुझे जाके ही पता चलेगा कि कैसा मिलता है। आई डोंट नो आप लोग आवाज़ आ रही है नहीं, क्योंकि माइक मेरे मैं भूल गई और मुझे ऐसे ही इस पर बोलना पड़ रहा है, तो अगर आवाज़ कम आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा। फिलहाल मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ का कलेक्शन। ये दीपिका है मेरी प्यारी, दीपिका अब रेडी हो गई। मॉल में बिल्कुल बेकार कलेक्शन था, महावाहियात कलेक्शन था। दोबारा तो मैं कभी नहीं आना चाहूँगी इस मॉल में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बस स्टॉप पसंद आया, वो मैंने लिया, और इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया इन लोग के वजह से। ये लोग बोल रही थी कि अच्छा मिलता, आपके वजह से, आप दोनों के वजह से। अब वैसे भी लेट बहुत ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया है। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली मोमो मिला है यार, मोमो अकेले अकेले खा रही है लड़की। मैं आ गई घर और बहुत थक गई हूँ, मैं थक के चूर चूर हो गई हूँ। 9 बज गए हैं, और बहुत बहुत सारा इधर उधर हो गया, इसके वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गया। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को, बाय।